हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के क्लास में हम सामान्य विज्ञान में फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज ये हमारा फिजिक्स के लिए 11 नंबर सेट है। इससे पहले फिजिक्स का 10 सेट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक उस सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चले दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके PDF का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, तो वहां से भी आप लोग उसका पढ़ाई कर सकते हैं। आज का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। आपको बोला कि अब उत्तल लेंस का, दोस्तों उत्तल लेंस आपको बता दें कि उसका जो फिगर होगा कुछ इस टाइप का होता है, और आपको बोला गया कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो है तब प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आपका एक का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल इसी होगा, काल्पनिक और सीधा। तब जो प्रतिबिंब जो है बनती है, कैसा बनती है? काल्पनिक बनती है और सीधा बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु, यानी कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु जो है किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो जा सके, प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ जो दो का आपका सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी पर। यानी कि अगर दोस्तों आपको किसी उत्तल लेंस में अगर आपको क्या करना है, वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो आप वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर क्या करेंगे दोस्तों, रखेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा जो है यहां आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु जो है कहाँ पे रखा जाए, यानी कि वस्तु का स्थिति जब कैसा होगा। तो 3 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। अगर दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तल लेंस में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है, तो आपको उत्तल लेंस के सामने फोकस से कम दूरी पर रखना होगा वस्तु को। किसको? तो वस्तु यानी कि बिंब को। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच एक पर्दा रखा गया है, दूसरी तरफ जो है एक पर्दा क्या किया गया है, रखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थिति उत्पन्न होगी। तो 4 का जो बी ऑप्शन है, यानी कि पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, क्योंकि जो प्रकाश की किरण जा रही है वो कहाँ पर रुकेगी, पर्दा पर। तो पर्दा का जो बीच का भाग होगा अधिक प्रकाशित होगा, यानी कि अधिक प्रकाशमान होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी के बीच हो, क्वेश्चन बोला गया कि यदि वस्तु जब उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको बता दें कि 5 का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के द्वारा यहां जो है आपसे पूछा रहा कि एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक वस्तु यानी कि बिंब रखी गई है, एक वस्तु की क्या की गई है, रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। फोकस दूरी आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर 6 का जो, जैसे आपको सभी को पता है कि यहाँ पर लेंस में 30 दूरी, यहाँ पर डायरेक्टली आप समझेंगे कैसे कि फोकस दूरी का जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है R/2, और यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में आपको R का वैल्यू दिया गया है 30 cm। तो 30/2 जैसे ही 2 करेंगे
तो आपका आंसर हो जाएगा 15 cm, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? तो 7 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, फोकस पर। कहाँ दोस्तों? फोकस पर बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। अवतल लेंस का फोकस दूरी कितना है? 20 cm। एफ का मान आपको दे दिया गया कितना दोस्तों? 20 cm। इसकी क्षमता होगी, आपको क्षमता निकालना है। और आपको बता दें कि लेंस के क्षमता का जो फार्मूला होता है वो पी बराबर 1/f मीटर होता है। f मीटर यानी कि f जो है वो मीटर में लेंगे, किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। तो यहाँ पर आप जो f का वैल्यू है वो cm में दिया गया, किस में दोस्तों? cm में दिया गया है। वह ऊपर 1 होगा और 20 cm को जब आप मीटर में बदलेंगे यानी कि 100 से भाग देंगे तो 0.20 क्या होगा आपका हो जाएगा ये डायोप्टर। तो इतना डायोप्टर जब एक को आप सभी जानते हैं कि 20 पंचे होता है 100, कितना दोस्तों? 20 पंचे 100 होता है। मतलब आप दशमलव जैसे ही हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 00 लगेगा तो वो ऊपर 100 हो जाएगा। तो 100 को जैसे आप 20 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो 5 डायोप्टर आपका सही आंसर होगा। तो 8 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका डी होगा, -5 डायोप्टर। कितना दोस्तों? -5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस कैसा है? अवतल। याद रखेंगे आपकी अवतल लेंस का जो हमेशा क्षमता होगा माइनस में होगा और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। और लेंस के क्षमता का SI मात्रक है दोस्तों डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस के क्षमता का SI मात्रक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि एक लेंस का सामर्थ्य यानी कि क्षमता -4 डायोप्टर हैं, यह किस प्रकार का लेंस है? ये आपको दोस्तों क्या करना है? बताना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया गया लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो है आपको दे दिया गया। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दे कि जब यहाँ पर आपको फोकस दूरी करके ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपका जो है जैसे ही क्षमता माइनस में दिया तो अवतल वाला ही होगा, यानी कि या तो ए ऑप्शन होगा नहीं तो डी ऑप्शन होगा, अवतल लेंस वाला होगा। क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि माइनस में केवल और केवल अवतल लेंस का ही जो है क्षमता होती है। तो बी और सी तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये उत्तल लेंस करके आंसर आ रहा है, मतलब उत्तल लेंस की क्षमता बता रहा है नहीं। तो या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। अब बात करते हैं कि फोकस दूरी दिया गया है तो एफ बराबर, आप याद रखेंगे कि एफ बराबर 1/d होता है। क्या हो दोस्तों? 1/d यानी कि डायोप्टर। तो 1/ जैसे ही दोस्तों आप करेंगे, यहाँ पर डी का वैल्यू -4 दिया गया है और 1 को 4 से जैसे आप भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको आएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्यों ना दोस्तों? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा क्योंकि माइनस में क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि किसी लेंस की क्षमता -1.5d यानी कि डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी जब कभी भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली याद रखेंगे कि फोकस दूरी आपको एफ बराबर, याद रखेंगे फार्मूला एफ बराबर 1/d होता है, एफ बराबर 1/d होता है। और आपको जो बता दें हम कि यहाँ पर सारा का सारा जो आंसर मीटर में है, किसमें दोस्तों? सारा का सारा आंसर मीटर में है। बट जब आप एक को क्या करेंगे? भाग देंगे। कि क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि क्षमता 0.5 इतना दिया गया है तो 100/ आप क्या करेंगे? -1.5। 100 क्यों आया? क्योंकि आप क्या करेंगे उसको मीटर में चेंज करेंगे, आप सभी को पता है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो जैसे ही आप भाग करेंगे तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, -66.6 cm। जब 100 को आप 1.5 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप लोग इसका पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सभी तरह से मेहनत किया जा रहा है। आप हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। इतना सुविधा आप लोगों के लिए ही लिया जा रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट तो बनता है। लाइक और शेयर जमा कीजिएगा ताकि मेरा अधिक से अधिक सपोर्ट हो सके। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्षमता दे दिया गया तो फोकस दूरी निकालना है, फिर वही काम करेंगे आप। तो जैसे ही आप एफ बराबर 1/d करेंगे, 1/ क्या करेंगे दोस्तों, डी करेंगे, तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि -0.5 मीटर। क्या दोस्तों, -0.5 मीटर कैसे सर, -0.5 मीटर कैसे होगा? तो आप एक को भाग करेंगे कितना दोस्तों, दो से, एक को दो से भाग करेंगे तो मीटर में सारा आप चीज़ दिया गया है। तो एक को जैसे ही दो से भाग करेंगे तो दो से एक को भाग करेंगे 0.5 आएगा, आप सभी को पता है, और माइनस में होगा इसका क्षमता। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो आपका, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। फोकस दूरी यानी कि एफ का वैल्यू दे दिया गया 20 cm, लेंस की क्षमता होगी। लेंस का आपको क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। तो अभी आपको बताया कि पी बराबर 1/f होता है, पी बराबर 1/f होता है, लेकिन एफ होगा किस में दोस्तों, मीटर में। तो 20 cm दिया गया है, 1 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और जब आप 20 cm को मीटर में बदलेंगे तो 0.20 मीटर होगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक को 0.20 से क्या करेंगे आप, भाग करेंगे, तो आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि +5 डायोप्टर। जैसे दोस्तों यहां से आप दशमलव हटाएंगे, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 00 आ जाएगा, और 20 × 5 = 100 होता है, आप सभी जानते हैं। तो 5 + 5 डायोप्टर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एक उत्तल लेंस से 20 cm पर रखी वस्तु का 3 गुना यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप मिस्टेक समझ सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। एक उत्तल लेंस से 24 cm पर रखी वस्तु का बिंब, यानी कि वस्तु का 3 गुना, कितना गुना दोस्तों, 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालना है आपको, लेंस की फोकस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर जो आपको दे दिया गया वो m दिया गया, क्या क्या दिया गया दोस्तों, m दिया गया, m कितना है तो प्लस तीन। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 3 गुना आवर्धित, और आवर्धन को ही दोस्तों हम m से सूचित करते हैं, तो m आपका +3 हो गया। और जो m होता है वो प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि वस्तु की, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर वस्तु का दूरी दिया ही गया है, और इसके बाद आप एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर मेरा स्पेस कम पड़ रहा है, बट आपको हम बता देते हैं, फार्मूला जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। और इसमें आप दोस्तों पुट करेंगे वैल्यू तो आपको जो है फोकस दूरी सिंपली जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर बता देते हैं, 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 36 cm। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 cm है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो फोकस दूरी दे दिया गया, तो अब उसका क्षमता दोस्तों क्या करना है, निकालना है। तो P बराबर 1/f आप सभी जानते हैं, 1/f होगा, बट यहाँ पर आपका 1 तो ऊपर होगा, बट cm को आप चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो 0.5 होगा, और एक को 0.5 से भाग करेंगे तो 14 का जो यहाँ पर आपका +2 डायोप्टर, जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के भी आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं, बार बार उसको पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला क्लास आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।